एक सिद्ध महान संत समुद्र तट पर टहल रहे थे। समुद्र के तट पर एक बच्चे को रोते हुए देखकर पास आकर प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर पूछने लगे, बेटा आप क्यों रो रहे हो? तब वो बालक कहने लगा, ये जो मेरे हाथ में प्याला है मैं उसमें समुद्र भरना चाहता हूँ, पर यह मेरे प्याले में समाता ही नहीं। ये बात सुनकर संत विस्माद में चले गए और रोने लगे। बच्चा कहने लगा, आप भी मेरी तरह रोने लगे, पर आपका प्याला कहाँ है? संत ने जवाब दिया, बालक आप छोटे से प्याले में समुद्र को भरना चाहते हो, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में सारे संसार की जानकारी भरना चाहता हूँ। आज आपको देखकर पता चला कि समुद्र प्याले में नहीं समा सकता। ये बोल सुन के बच्चे ने प्याले को जोर से समुद्र में फेंक दिया और बोला, सागर अगर मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो मेरा प्याला तो इसमें समा ही सकता है। संत बच्चे के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, बेटा कितनी महान बात कही है जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं कह सकते। तभी तो कहते हैं बच्चों के मुख में सरस्वती का वास होता है। हे परमात्मा, आपका ज्ञान सरोवर तो मुझ में नहीं समा सकता, पर मैं तो आप में लीन हो ही सकता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव शंकर को मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर ज़रूर लिखें।